अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेफ़ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त साथी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे तमाम साथियों को खुश रखे, जहाँ जहाँ हमें सुन रहे हैं हमारी आवाज़ और हमारी वीडियो को देख रहे हैं। दुआ है आप सब खुश रहें। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं बर्फ़ी की। तो बर्फ़ी हलवाई स्टाइल में कैसे बनती है, इसका क्या तरीका कार है, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने 5 किलो खोया लेना है, और याद रहे कि खोया आपने हमेशा दानेदार नहीं लेना, मुलायम खोया लेना है बर्फ़ी के लिए। दानेदार खोया आपने सिर्फ कलाकंद के लिए ही लेना है। तो इस खोए को हम पहले पकाएंगे, इसका पानी थोड़ा सा खुशक करेंगे ताकि इसकी जो कमी बेशी है वो पूरी हो जाए, थोड़ा सा पानी जो इसमें होता है। तो माशाल्लाह इसको हमने कस के अब इसमें हमने शामिल कर दिया चीनी। चीनी अगर आप कम रखना चाहें तो 2 किलो भी डाल सकते हैं 5 किलो में, 2.5 किलो भी डाल सकते हैं, यानी कि 2 किलो 500 ग्राम। तो हमने इसमें 2 किलो चीनी शामिल की है, कम मीठे की बर्फ़ी है। तो इसका तरीक़ाकार जो है वो आप देख रहे हैं वाजे तौर पर। आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है दरमियाने तवे पर। तो माशाल्लाह बर्फ़ी जो हमारी बिल्कुल रेडी होने को है। तो बर्फ़ी को कम से कम आपने 20 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। माशाल्लाह बर्फ़ी को उबाल आना शुरू हो गए, अब तकरीबन 3 से 4 उबाल आएंगे अच्छे, तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। उसके बाद अब इसको हम उतार के एक लकड़ी के डाबी की मदद से हम इसको अच्छी तरह इसकी रगड़ाई करेंगे ताकि इसमें जो हल्का फुल्का दाना है वो ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें कैसी सॉफ्ट बर्फ़ी है, बिल्कुल ज़बरदस्त जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह देखें कैसी ज़बरदस्त बर्फ़ी। अब हम इसको एक सांचे में डाल देंगे, एक स्टील की ट्रे में डालेंगे ताकि ये जम जाए। इसको जमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह देखें बर्फ़ी हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो गई। इसको एक सांचे के अंदर कल्टी कर दिया, स्टील के सांचे में। आपने हमेशा नीचे प्लास्टिक का थैली वगैरह का इस्तेमाल करना है शॉपर का, तो उससे ये है कि जो प्लास्टिक की मदद से बर्फ़ी आपकी नीचे चिपकेगी नहीं। तो माशाल्लाह से देखे बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। मैं इसको हाथों को आयल लगा के इसको सेट करके छोड़ देंगे 4 घंटे के लिए। उसके बाद ये बर्फ़ी सेट हो जाएगी, जम जाएगी। तो इसकी चलेंगे कटाई की तरफ जी। तो व्यूअर्स कटाई के लिए हमने पहले इस पर लगाएंगे चांदी के बर्क, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत लगाएं, कोई मसला नहीं है इसका, वो इतना लाजमी नहीं है, लेकिन ये एक कमर्शियल वीडियो के लिए ये लाजमी होता है। तो अगर आपने घर पे बनानी हो तो मसला नहीं है, आप इसको ना भी लगाएं तो स्किप भी कर सकते हैं जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से देखें हमारी जो बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, लोचदार और बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया मोहब्बतों का। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, शेफ मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।